Disadvantages. Disadvantages doesn't mean that it is not up to the mark or we cannot construct it, but those are the issues or things jo aapko zehen mein bitha dene chahiye while going for that specific mode which we call railways. Number first, तो इसका disadvantage ये हो सकता है कि इसके लिए आपको एक huge bulk amount चाहिए. Huge amount से मुराद basically ये है कि आपको जिस तरह आइडिया है कि जो आज हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे रेल रोड के बारे में, जिस तरह हमारे पास रोड है जहाँ पे रेल चलती है, दैट स्पेसिफिक पार्ट वी कॉल रेल रोड. तो उसको बनाने के लिए बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर और कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन, गिल्वनाइज्ड कास्ट आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मटीरियल होता है, और उसके साथ साथ जो हम लोग स्टेबलाइज्ड अर्थ की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं एक राइट ऑफ वे की, कि इसके लिए डेडिकेटेड राइट ऑफ वे चाहिए. राइट ऑफ वे मतलब ये है कि क्या आपकी मोड जो है, इज इट द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग या काइंड ऑफ शेयरिंग इट्स पाथ विद एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड. जिस तरह राइट ऑफ वे से मुराद ये है, हमारे पास तीन तरह की डिफरेंट राइट ऑफ वे होती है. जहाँ पे आपका कम्प्लीटली डेडिकेटेड सिस्टम हो, जहाँ पे आपकी फेंसिंग लगी हो, जहाँ पे आपका टनल प्रोवाइडेड हो वगैरह वगैरह, या जहाँ पे आपकी दीवार बनी है और उसके अंदर आपकी मोड चल रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे डेडिकेटेड राइट ऑफ वे या राइट ऑफ वे कैटेगरी ए. ठीक है, वहाँ और कुछ इलाकों में जो लोग those who already travel to Europe or somehow developed countries, तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि what I am talking about. पाकिस्तान रेलवेज का भी यही है कुछ जगहों पे, जहाँ पे आपने अगर हरिपुर में, एबटाबाद में, हवेलिया में, कुछ जगहों पे देखा होगा कि जहाँ पे रोड है और वहाँ पे रेलवे का फाटक भी होता है, तो जब भी रेलवे क्रॉस करती है तो फाटक जो होता है उसको बंद कर देते हैं. दैट मीन्स कि क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे हमारे पास जो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ वे कैटेगरी बी की. बी से क्या मुराद है कि 80-90% आपका सिस्टम डेडिकेटेड होता है, लेकिन 5-10% जहाँ पे आपकी क्रॉसिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आपका जो मोड है वो दूसरों के राइट ऑफ वे को भी इस्तेमाल कर रहा है, या आपकी राइट ऑफ वे कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है. एक थर्ड कंसेप्ट है राइट ऑफ वे कैटेगरी सी, जिसको हम लोग मिक्स्ड राइट ऑफ वे कैटेगरी कहते हैं. मिक्स्ड राइट ऑफ वे की एग्जांपल आप लोग हैदराबाद पेशावर से आप लोग ले सकते हो, जहाँ पे BRT जब माल ऑफ हैदराबाद से जब नीचे आती है विनट्स क्रॉसिंग फेज 3 या फिर फेज 6 की तरफ जब वो जाती है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उसी रोड से जहाँ पे आपकी रेगुलर व्हीकलर ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे आपकी BRT की मोड भी उसी को इस्तेमाल कर रही है. तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ जो आपकी इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी एक इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक कैपिटल के उसमें शेप में, रूप में, तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए. डेट वाई वी कॉल्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. क्लियर हो गया पॉइंट? आप लोग काइंडली रिस्पॉन्ड आप लोग करते जाइए सो दैट आई कैन मूव. क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस सर. हाँ, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट है हमारे पास हाई ओवरहेड कॉस्ट. अब ओवरहेड कॉस्ट से क्या मुराद है कि इसकी जो मेंटेनेंस होती है ट्रेन्स की या फिर ट्रैक्स की, और इसके साथ साथ इसमें अगर कोई भी एक टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर उसकी ओवरऑल मेंटेनेंस कास्ट या जिसको हम ओवरहेड कास्ट कहते हैं. अब देखो, जिस तरह आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एक जर्मन प्रोफेसर हमें 2010-11 में पढ़ा रहे थे, और उसके स्टेटमेंट के मुताबिक डॉयचे बान इज स्पेंडिंग मोर मनी इन मेंटेनेंस rather than expansion of the tracks. इसका मतलब ये है कि Deutsche Bahn, German Railways जो है, जो एक पूरी दुनिया का एक बहुत ही ज्यादा, आप लोग अगर वर्ल्ड वॉर की एग्जाम्पल देख ले, जो आजकल अभी एक सेपरेट मुल्क बने हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का कुछ हिस्सा, और सिमिलरली फ्रांस का, इस सबको, इन सबको पहले डॉयचलैंड या फिर जर्मनी कहा जाता था,
तो ये वर्ल्ड वॉर के दौरान सारे के सारे आपस में इंटीग्रेटेड होते थे, और रेलवे की प्रायोरिटाइजेशन, इसके साथ साथ अभी हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियर की, न्यूक्लाई नेटवर्क की, इसके साथ साथ मल्टी सेंट्रिक नेटवर्किंग की, इसके साथ साथ आपकी जब अर्बन स्कर्ट्स को विलेजेस को आपने किस तरह कनेक्ट करना है, कितनी भी सिटीज बड़े जो प्रोडक्शन के लिहाज से बड़े होते हैं, इकोनॉमी के लिहाज से, उनको आप किस तरह कनेक्ट कर रहे हो विद मोर देन वन नेटवर्क, विद मोर देन वन मोड। तो ये पूरी की पूरी जो फिलॉसफी थी, दैट वाज फ्रॉम द एडोल्फ हिटलर। तो ये हिटलर की फिलॉसफी थी जो उस जमाने में भी ही एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे के इस पूरी मुल्क में। अगर आपको कोई भी सप्लाई चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनेशन, तो रेलवे इज द ओनली मोड, ठीक है। लेकिन अगेन इसके हाई ओवरहेड कास्ट होते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, लेकिन दोज ओवरहेड कास्ट जब आप अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनिशियल में, तो आई थिंक ओवरहेड कास्ट इज अगेन नॉट दैट मच वेरी बिग मैटर। अच्छा, नेक्स्ट है गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है। अभी हम लोग अगर रेलवे की बात करें तो एक मैनेजेरियल सिस्टम होता है जिसके जरिए पूरी की पूरी रेलवे अथॉरिटी को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क के जरिए इनको काम करना पड़ता है। तो अगर आपकी एक्टिव गवर्नमेंट में फेडरल लेवल पे अगर आपकी इस तरह की पॉलिसीज नहीं आ रही जहां पे रेलवे को मतलब एक अगर एक प्रायोरिटी नहीं मिल रही, जो जहां पे आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि 1981-83 तक आपकी 80% की गुड्स जो होती थी, सामान पूरा का पूरा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो रेलवे के थ्रू ही हो रहा था। अभी चूंकि गवर्नमेंट मोनोपली थोड़ी सी चेंज हो गई, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हुकूमत ने, सरकार ने, फेडरल ने, वफाक ने इससे थोड़ा सा भी हाथ उठा लिया, बिकॉज इट नीड प्रॉपर अटेंशन। तो अगर आपकी अटेंशन आपकी कम होगी, स्प्लेट होगी टूवर्ड्स अदर मोड, एयरफील्ड, पोर्ट्स एंड हार्बर, रोड वगैरह वगैरह, तो अगेन वी विल फेस इश्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेग्स ऑफ डोर टू डोर सर्विस। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम कर सकती है जहां पे आपका रेल रोड या रेल ट्रैक बना है, जहां पे आपकी जहां तक आपकी पचड़ी बिछी हुई है, तो वहां तक सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है। उसके अलावा या विदाउट रेल रोड के इट कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ अ सर्विस, ठीक है। अच्छा, लेस कवरेज। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे वो इलाके जो सिटीज के अंदर है, या वो इलाके जो देहात के अंदर है, या वो इलाके जो हमारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो वो यूजुअली रिमोट इलाकों में वहां तक उसकी कवरेज जो होती है या जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो यूजुअली लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोड है ये सिर्फ डिफाइंड होती है अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू उनके गुड्स, और अकॉर्डिंग टू उनकी जो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के लिहाज से। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम हर हर जगह पे बेल्ट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। यूजुअली वहां पे बनाते हैं जो आपके मेजर सिटीज हब्स को कनेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, और जहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन जो हो, लोगों का जो रुझान होता है आने जाने का, वो जब यूजुअली ज्यादा होता है, तो दैट पार्ट इज इस ये लेस कवरेज जो है ये इस जुमरे में आता है, ठीक है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, इफ नॉट देन आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी हम बात करेंगे रेल रोड के बारे में, ठीक है। तो रेल रोड जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया, जिस तरह हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट में रोड होती है, रेल रोड में हमारे पास रेल रोड होती है। तो रेल रोड जो है ये एक एक बहुत बड़ी लंबी अंदाज में एक लॉन्ग होल होता है, हॉल, HAUL, हॉलिंग स्पीड जिसको कहते हैं, जो एक बड़े वॉल्यूम में, इन अ वेरी लार्ज वॉल्यूम में एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसकी हाई कास्ट होती है, और इसका कंप्लीटली
राइट ऑफ वे डेडिकेटेड होता है, ठीक है। इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो एक मसला बन सकता है मुस्तकबिल में, इस तरह हमने पहले भी जिक्र कर दिया, अगर हमारे पास पटड़ी नहीं होगी तो वी कैन नॉट ऑपरेट। और इसके साथ साथ हमारे पास ट्रांजिट टाइम जो होता है, एक ट्रेन के जाने के बाद जब दूसरी ट्रेन ने आना होता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन की जबान में हेडवे भी कहते हैं या फिर ट्रांजिट टाइम भी कहते हैं। ट्रांजिट टाइम मतलब एक के जाने से और दूसरे के आने तक का जो टाइम होता है वो भी हमारे साथ यूजुअली लंबा होता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि यूजुअली वे कैन रिलाई ऑन इट्स सेफ्टी, ऑन इट्स रिलायबिलिटी, ऑन इट्स पंक्चुअलिटी। तो ये एक चीज़ें हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुड्स भी है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेनर भी है, आप इस पिक्चर में भी आप लोग इवन देख सकते हो कि आपकी पूरी की पूरी, फॉर एग्जांपल 50 से 60 या 100 ट्रकें एक ही उसमें आ जाती है, एक कंपार्टमेंट में, एक ही बोगी में, विच यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आप लोग इज्यूम कर ले, अगर एक ही लोकोमोटिव जा रही है जिसकी हॉर्स पावर की स्पीड अराउंड 6,000 होती है, या फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कुछ होता है, तो अगर आप लोग इज्यूम कर ले कि अगर एक ही लोकोमोटिव के अंदर एक ही इंजन कैन पुश या पुल फॉर अबाउट 50 to 60 कंटेनर, और यही 50 to 60 कंटेनर अगर इंडिविजुअली जा रहे हो फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो आप उनका कॉस्ट इज्यूम कर ले। और अगर इन सबको हम लोग एक ही फैसिलिटी के अंदर मर्ज कर दे, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा देख ले कि इन टर्म्स ऑफ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में, इसकी वियर एंड टियर में, इसकी एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में, फ्यूल माइलेज में, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख ले, तो आप लोग को फिर आइडिया हो जाएगा कि द ओनली सुटेबल मोड इज रेलवेज। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर हम रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ जंप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स बिजनेस, जहाँ पे हम गुड्स और पर्सनाल को एक जगह से दूसरी जगह बजरिया रोड लेके जाते हैं, ठीक है। बजरिया रोड, रोड जो है हमारे पास वो रूट होती है जिसको हम लोग यूजुअली रोड कहते हैं, जो दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, और वो कभी कभार पेवड होती है या फिर अगर अनपेवड है फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह की अनपेवड होती है कि हम एटलीस्ट वहां पे पहिया जो होता है वो मूव कर सकता है, ठीक है। पेवड से मुराद हमारी पेवमेंट होती है, रोड होती है, और नॉन पेवड से हमारी मुराद वो जगह जो जो नॉन मोटराइज्ड कैरिएजेस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ मोड जो होते हैं उनको मर्ज करते हैं, जिस तरह पेडेस्ट्रियन हो गया, स्कैटर एंड ब्लेडर्स हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, रोड की जो हमारे पास लेयर होती है यूजुअली, ये बिचुमन से या ब्लैक कोट से बनी होती है, ठीक है। अब बिचुमन किस तरह का मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाई वी कॉल्ड पेवमेंट इज अलाइव, ये एक फिलॉसफी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग सीखोगे एडवांस पेवमेंट डिजाइन में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग यू सब ये जो चीजें, ये पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि आप लोगों को ओवरऑल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन की कंपैरिजन, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट, ये पांच चीजें हम लोग लेके जाएंगे इस पूरे सेमेस्टर में, ताकि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर बनने से पहले आप एटलीस्ट पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, अगर हम इसको कंपेयर कर ले एयरपोर्ट के साथ या फिर रेलवेज के साथ, ठीक है। हमेशा के लिए जिस तरह हम लोग घरों में कहते हैं ना कि ये मेरा बेटा या बेटी या ये एक्स वाई जेड इससे बेहतर है, तो हम चूंकि दुनिया में रहते हैं, दुनिया की वजूद मादियत पे हैं, तो अगर हम मादियत की बात करेंगे, मेटीरियलिज्म की बात करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए दो इंडिकेटर्स चाहिए जिनके साथ आप उनकी कंपैरिजन कर सको।
एक को अगर आप प्रेफर करोगे, एक को अगर आप नेगलेक्ट करोगे, तो यू हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड। तो अब हम यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे, तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसी ना किसी मोड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी इसका जो बेहतर तरीका है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हमारे पास होती है, डोर टू डोर सर्विस। इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी एग्जांपल ऑफ डोर टू डोर सर्विस? कोई है? किस तरह होती है डोर टू डोर सर्विस? एनीवन? Sir, when you have accessibility to every house, every road, every area of the city or town, वेरी गुड। लेकिन कोई आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो? like sir, delivery services हो गए sir। वेरी गुड। DHL हो गया, TCS हो गया, आजकल जो एक मॉडर्न कंसेप्ट आ रहा है पेशावर में, दरेउड़ो के नाम से, या इस तरह के जितनी भी हमारी सर्विस, मतलब डोर टू डोर से मकसद ये है कि कोई भी चीज जो आपको आपके घर के दहलीज पे उसके मेन गेट पे मिल जाती है, दैट्स इट। और ये फैसिलिटी जो है, अगर हम कंपेयर कर ले रेल के साथ, एयरफील्ड के साथ, पोर्ट्स एंड हार्बर के साथ, तो वहां पे जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा भी था कि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती है एज कंपेयर टू रोड, तो रोड इस सेंस में अच्छा है और एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल है। अमीर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, गरीब भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। यूजुअली इसके टॉल वगैरह भी कम होते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि साइकिल वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, रिक्शे वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, और टांगे वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सच इतनी वो नहीं है इसमें। अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल, अब रेलवे जो है वो हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, एयरफील्ड हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो रोड एक एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉमन मोबिलिटी फॉर ऑल, कॉमन मोबिलिटी फॉर ऑल, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। कोई मुझे बता सकता है कि एडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहले है लेस कैपिटल आउटले। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, और हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट? एनीवन अदर देन गुलबुद्दीन, कोई है? एनीवन? ठीक है, गुलबुद्दीन, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? यस सर। सर एक्चुअल इसमें जो हमारा वो इनिशियल कास्ट होता है सर, वो कम हो जाता है सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम होता है सर। अच्छा, स्ट्रीट लिस्ट कैपिटल आउटले से मुराद बेसिकली हमारी यही है कि जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल, वो कम होती है इस कंपेयर टू रेल रोड और एयर ट्रांसपोर्टेशन। और जो इसकी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, वर्किंग, फंक्शन, कीपिंग अप दी स्ट्रीट्स है, तो वो भी ओवरऑल कम एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन की या नेबरहुड की जो अप्रूवल्स के फीस वगैरह होते हैं, उनको भी हम लोग काइंड ऑफ फैसिलिटेट कर सकते हैं, या उनको भी हम लोग कैपिटलाइज या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, इसका एडवांटेज ये है कि ये हमें, जिस तरह हमने मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि ये हमें डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है एडॉप्टेबल सर्विस। एडॉप्टेबल सर्विस से मुराद ये है कि चूंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन को बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द एडॉप्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी टाइमिंग, इसकी बैलेंस, इसकी इंडिविजुअल प्री रिक्विजिट, जो आपको इतनी ज्यादा उनका ख्याल नहीं करना चाहते, मतलब करना चाहिए। एडॉप्टेबल सर्विस से क्या मुराद है? अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो यू कैन कम एट एनी टाइम। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेल की बात करें, तो दिन में मैक्सिमम एक या दो या तीन ट्रेनें मतलब निकलती होगी। सिमिलरली अगर हम एयरपोर्ट या एयरफील्ड की बात करें, तो फ्लाइट्स में भी आपको मतलब लिमिटेड सर्विसेज होती है। तो अगर रूट की हम बात करें, तो जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल या फिर कॉमन मोबिलिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो ये एक एडॉप्टेबल है जिसके मुताबिक आप अपने सिचुएशन को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को इसी मोड में फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जितनी भी हमारे साथ शॉर्ट डिस्टेंसेस होती है,
फॉर एग्जाम्पल यू वुड लाइक टू विजिट दी मर्चेंडाइज कमर्शल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी आपकी चीज़ें होती है या जितनी भी आपकी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, वर्क का पार्ट हो गया, ऑफिस का पार्ट हो गया, सो दैट मोड या दैट सर्विस कुड ऑल्सो बी अचीव थ्रू रोड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो शॉर्ट सर्विसेज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम पार्किंग की बात करें तो मैक्सिमम आज तक मुझे याद है कि आई थिंक दैट नो वन एवर पे मोर देन 100 रुपीज. ठीक है, मतलब 2 से 3 उसकी घंटे के लिए आप आराम से वहां पे पार्क कर सकते हो. ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को मैंने वो एक पॉलिसी पढ़ाई थी पुश पुल और इम्प्रूव के नाम से. तो पुश पुल इम्प्रूव जब आप करते हो तो ये पार्किंग कॉस्ट जो थी, पैकिंग कॉस्ट जो थी या फिर पार्किंग कॉस्ट जो होती थी उसको फिर वो लोग बढ़ा देते थे. ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट या पैकिंग कॉस्ट भी इसकी ओवरऑल कम होती है. इसको आप किसी भी एक बॉक्स में एक पैकेट में लेस पैकिंग कॉस्ट के साथ इसकी लेस पार्किंग कॉस्ट भी है. ठीक है, और ये ओवरऑल फास्ट एक मोड है, रैपिड होती है और जो विच इज मोर सूटेड देन दी पोर्ट्स एंड हार्बर रेल रूट एक्सेट्रा. और इसकी ओवरऑल कास्ट जो होती है इट इज अगेन लेस. सो स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट इज इट नॉट जस्ट ओनली रिक्वायर्ड कॉस्ट. क्या चीज है, कम अगेन? लेस पैकिंग कॉस्ट. पैकिंग से मुराद ये है कि जब भी आपको कोई भी डिफरेंट गुड्स वगैरह आप जब ट्रांसपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ वैक्सीनेशन और समथिंग, तो आप अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उसकी हम लोग प्रॉपर रेपिंग करते हैं, उनको बंद करते हैं. लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्सल, कोई भी डेलिकेट टाइप की चीज़, उसको आप बगैर बहुत ज़्यादा पैकिंग के उसको आप अपनी ही गाड़ी में आप डाल सकते हो. मतलब यह है कि जब आपको बहुत ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है ना, वी व्हेन कंट्रास्टेड विद डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके ज़रिए यू रिक्वायर लेस कॉम्प्लिकेटेड पैकिंग सिस्टम through which product of the transportation may be through road which usually require less pressing or no pressing. जहाँ पे कभी कभार for example अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, तो गैस के सिलेंडर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप अगर if you would like to transport the same service in airport through air या फिर through ports या फिर harbor, तो ये वहाँ पर आपको बड़ी packaging की ज़रूरत होती है. आप लोग को शायद idea हो, आजकल ये बैटरी के जो पावर हब्स होते हैं जिसको हम लोग ये पावर चार्जर कहते हैं, जिसको आप पहले बिजली से आप चार्ज कर देते हो और फिर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो बाद में, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है दे डिड नॉट अलाउ इट इन द मेन कंपार्टमेंट ऑफ द प्लान. तो जहाज में वो लोग छोड़ती भी नहीं है. उसका इशू क्या है कि जब भी ये बैटरीज वगैरह होती है, जब उन पर लोड आ जाता है तो वो फिर एक ब्लास्ट करती है, तो यूजुअली उनको हम लोग नीचे वाले कंपार्टमेंट जहाज वाले में डाल देते हैं. लेकिन अगर हम गाड़ी में बात कर ले तो इतनी पैकिंग की जरूरत, इतनी प्रिकॉशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू दूसरे मोड्स. तो अपनी हीरो ट्रांसपोर्ट में आप चीजों को डाल भी सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट में और रेलवे में आपकी अथॉरिटी नहीं होती. एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑलवेज पुश यू दैट यू शुड put all those item in a specific packaging system. ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, वो गत्तों के ऊपर बड़ा सा एक लिखा होता है handle with care. ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जो होती है वो road transportation में हमारे पास overall कम होती है. अली clear हो गया ना? Yes sir. ठीक है, अच्छा next है हमारे पास के प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स. रेलवे को या फिर एयरपोर्ट्स को या फिर पोर्ट्स एंड हार्बर्स को, शिप्स को बहुत लिमिटेड लोग ओन करते हैं. मैं ये नहीं कहता कि लोग ओन नहीं करते, बिल्कुल ओन करते हैं. लोगों के अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स भी होते हैं, लोगों के अपने प्राइवेट शिप्स, यॉट और बोट भी होते हैं, उनके करियर रेग्स भी होते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग होते हैं. तो गाड़ी जो है इसकी ओनरशिप आप एज कम्पेयर टू अदर मोड आराम से ले सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता. तो ये इसके सारे एडवांटेजेस हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या है?
नंबर वन तो ये है कि ये इरेगुलर नेचर में इरेगुलर है, जिस तरह ये सेकंड पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से हमारे पास बारिश हो रही है और नीचे वाले पिक्चर में जो है वो आपकी जो कंटेनर है वो आपकी रेल के साथ उसकी टक्कर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इंजन या जो इन टर्म्स ऑफ ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके सिचुएशन के बुनियाद पे। तो जो इश्यूज आपको आते हैं ड्यूरिंग दी जब बारिश होती है तूफान वगैरह होता है तो जो भी आपका बैक पैकेज होता है वो यूजुअली आपके छत के ऊपर वाले हिस्से में यूजुअली होता है, तो उसको आप फिर बचा नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी जो नेचर की इरेगुलरिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और पेनफुल या अनफिट होती है फॉर दी डेंजरस सिचुएशन में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी की ट्रक की जो फॉर एग्जांपल एक टॉप लेयर है उसकी हाइट के बाद अगर आपने वहां पे इस तरह की कोई चीज डाली हुई है जो किसी भी हल्की सी कोलिजन से या स्लाइड टच से वहां पे चांसेस है कि वो ब्लास्ट हो जाए, तो वो ब्लास्ट भी होने के उसके खतरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास के मिसहैप और ब्रेकडाउन। ठीक है, जहां पे मैकेनिकल मशीनरी इन्वॉल्व होगी वहां पर मैकेनिकल फेल्योर के ब्रेकडाउन के चांसेस होंगे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ रोड में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा है, और उसका इशू भी यही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ड्राइव कर रहे हो और कंटिन्यूसली आपके पास बारिश हो रही है तो वहां पे खैर ये इशू तो रेलवे में भी पॉसिबल है, कभी सैलाब आ जाते हैं वगैरह वगैरह, और सिमिलरली फिर एयर एयर में हवा में फिर ये एक होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है बड़ी तेजी से तो अक्सर ये भी मैंने देखा है कि फूक की वजह से आपकी रनवे वगैरह वो बिल्कुल विजिबल तक नहीं होती, तो उसकी वजह से आपकी फ्लाइट डिले भी होती है, जो आपकी लैंडिंग टाइम होता है टेक ऑफ टाइम होता है वो भी बेसिकली आप इवन जहाज के अंदर मैंने दो दो घंटे तक इंतजार किया हुआ है, क्योंकि वो लोग अक्सर कहते हैं कि मिसहैप हुआ है जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड डिले आई हुई है। तो इसका मतलब यह है कि मिसहैप और ब्रेकडाउन, तो ये दोनों चीजें जो है ये रोड में भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इसकी, रेलवे में भी है और पोर्ट्स एंड हार्बर में भी है। जब भी कोई तूफानी मोज वगैरह आती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। वी वर मूविंग फ्रॉम द यूके वेल्स टू द आयरलैंड डबलिन। ठीक है, तो वो मैं आई वाज मूविंग विद ए वेरी बिग फेरी जिसमें से 26 कंपार्टमेंट थे, तो 18 फ्लोर तक 18 मंजिला तक वहां पर कंप्लीटली कंटेनर्स वहां पे पार्क हो जाते हैं, और फिर 19, 20, 21, 22 पे इन चार फ्लोर पे पैसेंजर होते हैं, लेकिन वो पैसेंजर नहीं होते, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो इन ही कंटेनर्स के ड्राइवर या फिर कार्गो या फिर शिपमेंट वगैरह होती है। तो 5-10% लोग होंगे जो मतलब एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे, तो आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ देम। तो आप लोग यकीन करें जब तूफानी मोज आ गई तो हम लोग somehow on 22 या 23rd फ्लोर पे हम लोग थे, ये शिप के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 23 मंजिला तक पानी आ रहा था। तो आप लोग अज्यूम कर ले कि अब इसमें से कितने सारे आपके कैरियर रेग्स, आपके शिप्स, आपके जहाज, समुद्री जहाज आपके डूब जाते हैं। तो मैं बताने का वो मेरा मकसद है कि मिसहैप और ब्रेक डाउन जहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व होगी ना, मेरा तो ये मानना है कि अगर इंसान की जान की बचत हो जाती है तो मशीनरी फिर बाद में भी रिपेयर हो जाती है, लेकिन अगर इंसान चला जाता है तो फिर उसकी रिपेयरिंग कम होती है क्योंकि वो परमानेंट लॉसेस में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास के रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इनएडमिसिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्की ट्रांसपोर्ट। तो इसका मकसद ये है कि इनएडमिसिबल से मुराद इनअप्रोप्रिएट। तो जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है, जब आपने बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना होता है, तो ऑब्वियसली वहां पे फिर आपके साथ फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी गाड़ी भी गर्म हो जाती है वगैरह वगैरह, इस तरह के अक्सर इश्यूज हमारे पास या फिर हमारे साथ यूजुअली आते रहते हैं।
इसकी जो रफ्तार होती है हद रफ्तार मॉडरेट स्पीड, तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है ऑन द प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की है जो विच कुड एब्जॉर्ब ए वेरी ह्यूज वॉल्यूम एट अ सेम टाइम, तो फिर तो आपको वो आइडिया या वो इशू ट्रैफिक कंजेशन का नहीं होगा। एक दफ़ा आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लो कि लॉन्गेस्ट डिले इन द वर्ल्ड बीजिंग में एक दफ़ा 11 घंटे का हुआ था, रूस में तकरीबन तकरीबन 36 घंटे की डिले हुई थी। तो आपकी जो स्पीड होती है उसको कंटिन्यू करना, उसको हद रफ्तार को बरकरार रखना, ये भी रोड ट्रांसपोर्टेशन की एक डिसएडवांटेज है जो कि हमारे पास रेलवे या फिर हमारे पास एयरपोर्ट या फिर पोर्ट्स एंड हार्बर, इनमें इस सच्ची इशू नहीं होता। लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जो भी आपके अनप्रिडिक्टेबल या फिर अनडिपेंडेबल, जो आपकी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो हमारी यूजुअली होती नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्टेट की ट्रांसपोर्टेशन की इवन पॉलिसी तक नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर कि इस तरह के कोई भी मिसहेप वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपके पास कौन सी फैसिलिटी है ताकि वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाए। अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जर्मनी में, फ्रांस में, इन दोनों ममालिक के बीच में एक रोड बनी है जिसको ऑटोबान कहते हैं, ऑटोबान। उसकी खसूसियत क्या है या उसको मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। तो यूजुअली बीएमडब्ल्यू में या मर्सिडीज की जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड या फिर फिरारी की या फिर पोर्शे की, उनकी गाड़ियों की रफ्तार तकरीबन तकरीबन 440 तक तो मैंने देखी है। तो अगर आप लोग ज्यूम कर ले कि अगर कोई भी पोर्शा या फिर लेम्बोर्गिनी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, यूजुअली तो जब भी उनकी एक्सीडेंट होती है ऑटोबान पे या कोई भी मिसहैप होता है या एक्सीडेंट कोलिजन होती है, तो इंसान का बचना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब वो तो चला गया, लेकिन अगेन यू कैन नॉट इंटरफेयर विद योर डायरेक्ट मूविंग ट्रैफिक। तो फिर उसके लिए स्टेट की क्या स्ट्रेटेजी है कि हर एक 50 किलोमीटर में या फिर 30 किलोमीटर में उनके पास चॉपर होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, तो अगर कोई भी मिसहैप हो जाता है तो बजाय के वहां पे मेडिकल टीम पहुंचे, उसी गाड़ी को हेलीकॉप्टर के जरिए उठा के साइड में कर देते हैं, फिर उसके बाद वहां पे फर्स्ट एड रिलीफ वगैरह आती है। तो ये चीजें हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी टाइम्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ख़ास करके मैं फ्रांस की और जर्मनी की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूँ जो मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। कभी कभार स्केजुअल की वजह से या कभी कभार फेल्योर की वजह से उनके ट्राम सर्विसेज या फिर ट्रेन सर्विसेज जो होते थे वो मुअत्तल होते थे, तो फिर उनका इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम था कि वो हमें निकलवा के मोड से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड से, गाड़ियां हमारे लिए तैयार खड़ी होती थी। अगर गाड़ियां नहीं होती थी तो एक दूसरा मोड, वही सिमिलर मोड या फिर ट्रेन या ट्राम या फिर बस या फिर बीआरटी, वो हमारे लिए तैयार खड़ी होती थी, तो हम फौरन उसमें बैठ के चले जाते थे। और अक्सर ये भी मैंने देखा है कि आम तौर पे वो लोगों को घरों तक प्राइवेट टैक्सीज में छोड़ के आ जाते थे। तो ये एक सिस्टम तभी पॉसिबल है जब आपका सिस्टम आपस में लिंक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। देखो, एक सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी स्टेट लेवल की पॉलिसी बड़ी मजबूत होगी। जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे, अगर आप कहोगे ना कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी मुराद नहीं है। आपने स्पेसिफिक होना है कि आप अगर सिस्टम की बात करो कर रहे हो तो दिट मीन्स मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल से मुराद ये है कि ओरिजिन ए से लेकर डिस्टिनेशन ए से लेकर, ओरिजिन से लेकर डिस्टिनेशन तक अगर आपने जाना है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपने एक ही स्ट्रेट मोड में जाना है, मतलब सिर्फ रेलवे वहां तक जाती है, नहीं नहीं लेकिन एटलीस्ट आपका सिस्टम आपस में इस तरह का
लिंक्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, कि एक जो है एक उसके लिए काम करे इज अ फीडर, दूसरा उसके लिए काम करे इज अ नेटवर्क सप्लायर, और थर्ड जो है उसके लिए जरूरी चीज है कि उसके लिए पैसेंजर को भी आउटस्कर्ट से ले आए। अब आप लोग अज्यूम कर ले कि अगर हमारी एक ट्रेन चल रही है, एक बहुत बड़ी मोड चल रही है फॉर एग्जाम्पल, और वो दो मेजर सिटीज को कनेक्ट कर रही है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ट्रेन स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर उनकी रिहायश है, ठीक है? तो ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन ए 5 to 10 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस एरिया, तो अब वो तो कोई मोड होगी ना कि वो यहाँ से वहां तक आ जाए, वहां से यहाँ तक आ जाए, अपने घरों से अपने ऑफिस से उसी ट्रेन स्टेशन तक आ जाए। तो क्या आपने कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की है, कोई स्ट्रेटेजी है आपकी, जहां पे आपके मेन पैसेंजर पॉइंट्स है, या चाहे वो एजुकेशन पॉइंट हो, या चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉइंट हो, या चाहे वो कोई भी हुजूम वाले पॉइंट्स हो जहां पे आपको एक लार्ज वॉल्यूम मिल जाता है लोगों का, क्या आपके वो पॉइंट्स कवर है आपस में? अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं बीआरटी पेशावर में। अच्छा, जब भी हम लोग बस रैपिड ट्रांजिट की बात करें तो इसका मतलब ये है, इसकी जो डिफिनीशन है रिगार्डिंग स्पीड, जो आपकी डिस्टेंस हो दिट शुड बी लेस देन 500 मीटर, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 500 मीटर के अंदर ही आपने देना है, आप आफ्टर एवरी 200 मीटर के बाद भी आप दे सकते हो, आप हर 1 किलोमीटर के बाद भी आप दे सकते हो। ये अभी आपने डिफाइन करना होगा कि आपके मेन डेंसिटी पॉपुलेशन इलाके कौन कौन से हैं, तो ये आपकी डिफिनेशन होगी, उसके मुताबिक फिर आपने स्टेशंस जो होंगे वो डिफाइन करने होंगे कि ये स्टेशन इस स्पेसिफिक इलाके को कवर करेगा, ये स्टेशन इसको कवर करेगा, वगैरह वगैरह। तो विद पैसेज ऑफ टाइम, अभी आप लोगों को मैं एक आर्टिकल की तरफ भी आप लोगों को मैं अभी लेके जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग इस तरह की होगी जिसमें से आप सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट प्लानिंग करोगे, बाय डिफॉल्ट स्टॉप्स प्रोवाइड करोगे विदाउट कंसीडरिंग द रियल डिमांड लोगों से, तो फिर आप लोगों को फैसिलिटेट एक टर्म में नहीं कर रहे हो जो कि आपको एज अ प्लानर करना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी का जो पब्लिश हुआ था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन अप्रोच टू एवोल्यूएट ट्रेवलर मोड्स प्रायोरिटी, कि वो बेसिकली जाना कहाँ पे चाहते हैं, तो इसमें से हम लोगों ने ये किया था कि एक ओवरऑल पेशावर की एक पॉपुलेशन डेंसिटी का एक चार्ट लिया था सेटेलाइट से, ये जो आपको BS1 BS2 दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, दोज आर बेसिकली द BRT स्टेशन, ठीक है? और ये पूरा का पूरा पेशावर का इलाका है जहां से वो नेटवर्क होके गुजरा है, ठीक है? और ये मुख्तलिफ जो हमारे पास, ये हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का एक बफर बनाया हुआ है इन स्टेशन के सराउंडिंग्स में, जो हमें बता रही है कि ये फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम BS1 BRT स्टेशन 1 की बात करें तो इसका जो इलाका है ये मतलब अराउंड 3 किलोमीटर से एक्सपेक्टेड है कि ये आपस में ये जो जो डिमांड आएगी तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से आएगी, ठीक है? अभी आप इस नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट डेंसिटी, तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये BRT स्टेशन 3 से लेकर 15 तक हमारे पास सेटलमेंट डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और फिर बीच में कम हुई है, और फिर ये जो लास्ट का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है BRT स्टेशन 28 से लेकर ऑलमोस्ट 30 तक, तो ये हैदराबाद का इलाका है जहां पे एक दफा फिर से आपकी सेटलमेंट डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है? सिमिलरली आप इसको रोड हॉटस्पॉट के जरिए भी आप लोग इसको देख सकते हो कि हमारी मेजर रोड्स कहाँ से बेसिकली गुजरी है, और हमारा जो मेन पॉपुलस डेंसिटी है वो भी हमें रोड नेटवर्क मैप में या रोड हॉटस्पॉट में हमें बेसिकली सिमिलरली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो हमारी रोड नेटवर्किंग हमारे पास बनी हुई है
और जो स्टेशंस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आप लोग ये लास्ट में बीआरटी स्टेशन 26 से लेकर जो ऑलमोस्ट माल ऑफ हैदराबाद है, यहाँ से लेकर बीआरटी स्टेशन 30 तक हमारे पास, चूंकि हैदराबाद का वो एक एक बहुत बड़ा टाउनशिप है, तो और ये बीआरटी स्टेशन 2 से लेकर 9-10 तक जो हमारा ये फिरदौस का इलाका है टिल किला बलाहिसार, तो यहाँ पे भी आपकी ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये लोगों की प्रायोरिटीज क्या क्या है। प्रायोरिटी से मुराद ये है कि ये हम लोगों ने एक बीआरटी स्टेशंस के लिहाज से, हम लोगों ने पॉपुलेशन के लिहाज से या फिर प्रायोरिटी के लिहाज से हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, के कौन से इस तरह के मर्जिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है और वो उन्हीं स्टेशंस के करीब है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेशन 4 से लेकर स्टेशन ऑलमोस्ट 11 तक, और फिर उसके बाद 26 से लेकर 29 तक वही स्टेशन हमारे मेन पॉपुलेशन जो है, अगर हम इसको 0 से लेकर 10 तक ऑन दी प्रायोरिटी ग्राफ के जरिए उनको हम लोग ड्रा करना चाहे, तो ये उसकी ओवरऑल रैंकिंग आएगी। ठीक है, तो ये एक सर्वे हम लोगों ने की थी, ठीक है, और इसके मुताबिक हम लोग ये चाहते थे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि ट्रेवलर्स मोड अप्रोच क्या है, मतलब व्हाट बेसिकली ट्रेवलर नीड्स। ओके, ठीक है, तो उसमें से मुख्तलिफ ये 6 मोड्स जो थे उनको उनको वो किया गया था, एनालाइज किया गया था, ओल्ड बस सर्विस को भी, कारपुलिंग को भी, वैगन्स को भी, करीम को भी, करीम या ऊबर को भी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीआरटी थी, और ये हम लोगों ने एक 5 नए पॉइंट्स इज्यूम किए थे कि अगर ये बन जाए तो, और ये पॉइंट जो थे ये हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इन स्टॉप्स के जरिए हम लोगों ने ये डिफाइन किए थे कि ये जो पॉपुलेशन है आपकी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे होती है वो आपकी नेचुरल होती है। तो इनलैंड में आपके आ जाते हैं मेनली रिवर, लेक्स और केनाल्स। केनाल्स हम लोग यूजुअली बनाते हैं, लेक्स आपके नेचुरली बनते हैं, और रिवर्स आप बना भी सकते हो, और आपके साथ यूजुअली लेकिन अप टू 90% केसेस में जो होता है वो यूजुअली आपके रिवर्स जो होते हैं वो आपके नेचर बेल्ट होते हैं। ओशन में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली इंटरनेशनल शिपिंग की या फिर कोस्टल शिपिंग की। कोस्टल शिपिंग में फिर आपके पैसेंजर और कार्गो आते हैं, लेकिन इनलैंड में हम एक छोटे लेवल पे बात करेंगे जहाँ पे आपकी बोट के जरिए या फिर छोटे छोटे स्टीमर्स के जरिए या जो चप्पू से जो चीजें चलती है वगैरह वगैरह, ये आपकी इनलैंड में पॉसिबिलिटी है। जब हम ओशन में बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टैंकर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रैम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइनर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग मैसिव कार्गो शिपमेंट मोड वगैरह वगैरह। अभी हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जी जी बताइए, बोली एनी क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज तो क्लियर है ली, आप एक दफा फिर से आप देख ले, एनी इशू अली, कोई इशू है, साउंड क्लियर अभी? Is there anyone who can confirm कि आवाज आ रही है कि नहीं? Yes sir, आवाज तो ठीक है sir आज। हाँ अली, आप kindly अपना connection आप देख लें please, ठीक है? Sound में मेरे ख्याल में कोई issue नहीं होगा। अच्छा, अब water transport basically है क्या? ये हमारे पास वो एक process या एक तरीका होता है जिसके जरिए हमारे पास बैरेज, बेराज, बोट, शिप या फिर इस तरह की वाटर बॉडीज जिसके जरिए आप सी, ओशंस वगैरह वगैरह में आप यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जब भी हम शिप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये हम शिप ट्रांसपोर्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कैरिएज ऑफ पीपल, और
नॉन पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जो हम लोग जिसको कार्गो यूजुअली कहते हैं, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फॉर द पंप, फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्स, या फिर फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन, या कोई भी मल्टी मोडल एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी, या फिर जब आप एक या दो मोड्स को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजुअली बात करते हैं इन सारे, जब भी हमारे पास एक कंटिन्यूस रफ्तार में, एक कंटिन्यूस मीडियम के जरिए वी नीड कोल, आयरन, उरी, सीरियल्स वगैरह वगैरह, तो इस तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल सप्लाई, तो इनके लिए भी यूजुअली हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही और अली, मेरे ख्याल में सिर्फ आपको इशू है, आप काइंडली एक दफा फिर से लॉग आउट कर लें और एक दफा फिर से आप भी लॉग इन कर है। लें। हाँ, मेरे ख्याल में आपके स्पीकर वगैरह में किसी चीज में शायद एक कोई कुछ इशू होगा, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट को साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये लो कास्ट है। लो कास्ट से क्या मुराद है? चूंकि रेलवे में या फिर रोड में आपको रोड बनाना पड़ता था, यहाँ पे जो आपके पास ओपन स्ट्रीम्स है, ओपन ओशंस है, ये बेसिकली आपकी रेल रोड है और ये आपकी रोड है। तो इसको इस सच कोई भी कंस्ट्रक्शन कास्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ना कोई मेंटेनेंस आपको चाहिए। द ओनली थिंग यू एक्चुअली नीड इज वही कैरियर, वही शिप, ये वही कार्गो जहाज आपको चाहिए होता है, जिसकी ओवरऑल कास्ट जो होती है वो कम होती है। अच्छा, एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हम कभी भी स्पीड की बात नहीं करेंगे। वी विल नेवर टॉक अबाउट अ स्पीड, या हमारी प्रायोरिटीज जो होती है दिट शुड नेवर बी बेस या लाई ऑन कि आपको ये आइटम जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको स्पीड में चाहिए, क्विक चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं। हम लार्ज कैपेसिटी की बात करेंगे, बड़े आइटम्स की बात करेंगे, बल्कि गुड्स की बात करेंगे, टिम्बर की बात करेंगे, केमिकल्स की बात करेंगे वगैरह वगैरह। फ्लेक्सिबल सर्विसेज किससे क्या मुराद है? कि ये आपको बहुत सारे सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड या एडजस्टेड टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके कुछ भी स्पेसिफिकली है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्लोजिव आइटम है, एम्यूनेशन है, आर्मी सप्लाई है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम उसी ही बैराज को, उसी शिप को उस अंदाज में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सेफ्टी जो है वो उसमें मैक्सिमम होती है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इसमें बहुत ही कम होते हैं, इस कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, इस कंपेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस है। अगर आप लोग कोई एक दो मजीद एडवांटेजेस बताना चाहते हो तो यू आर ऑल्सो मोर देन वेलकम। एनीवन, इन चार के अलावा अगर आपको कोई कोई और दूसरा मोड लग रहा है कि ये भी इसकी एडवांटेज में आता है, एनीवन कोई बता सकता है? ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये स्लो है, जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि हम लोग इनलैंड की या फिर ओशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वी विल नेवर टारगेट द स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। लिमिटेड एरिया ऑपरेशन से मुराद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही काम कर सकती है। और दूसरा, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन से ये भी मुराद है कि अगर आपका वाटर टेबल जो है वो इफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनलैंड की बात करें तो इनलैंड में जहां पे आपके पास रिवर स्ट्रीम्स वगैरह होते हैं, तो अगर पानी का लेवल कम हो जाता है, गिर जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर छोटे बोट जो होते हैं, एक दो या पांच या 10 लोगों को जो यूजुअली कैरी करते हैं, तो वो काइंड ऑफ बड़े रिस्की या फिर बड़े डेंजरस होते हैं। और ये कंप्लीटली सीजनल करेक्टर पर भी डिपेंडेंट है, मानसून के टाइम में वगैरह वगैरह में, या जहाँ पे आपके साथ समुद्री तूफान बहुत ज्यादा आती है, कुछ स्पेसिफिक जगह है, तो इन इलाकों में सीजनल बैरियर भी हमारे पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिवर और केनाल जो होते हैं, इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पे आपके पास, अगर हम स्कैंडिनेविया की या फिर यूरोप की बात करें, जहाँ पे आपका पानी जो है उस इट कन्वर्टेड इनटू द फ्रोजन स्टेट, वो फिर फ्रीज हो जाता है,
उस सिचुएशन में भी हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। अनरिलायबल क्या है कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो उस सेंस में रिलायबल नहीं है कि कभी कभार रिवर चेंजेस की वजह से हमें कोर्स भी चेंज करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कोई भी मूवीज देखी हो जो नेवल बेस हो, नेवी पे बेस हो, तो उसमें एक कोर्स सेट करते हैं। कोर्स मींस वेयर यू वांट टू बी। जिस तरह हम लोग ड्राइविंग में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो रेवर में भी आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सीधा जाना है, तो रेवर में भी आपने कोर्स सेट करना होता है। उसी कोर्स को फिर आपने उसकी फॉलो अप करनी होती है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक। आई वुड रिकमेंड वन सीरीज जिसको कहते हैं द लास्ट बैटलशिप। आप इसको थोड़ा सा देख लो तो फिर आपको थोड़ी सी इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में, मेन कोर्स के बारे में, कोर्स लाइन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा मजीद भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आइटम की रिक्वायरमेंट ही बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सी जगहों पे लोग यूजुअली फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मतलब इन 100 इन 1000 या फिर इन 100,000 में जब आपकी ऑर्डर ऑर्डर होती है, तो लोग यूजुअली फ्री आपको डिलीवरी भी देते हैं। क्योंकि आप अगर देख ले तो अगर आप ज्यादा आइटम परचेज करोगे तो उसको द सेम प्रोडक्शन यूनिट या सप्लायर ही कैन एक्चुअली बियर द कास्ट, कि आपको वो चीज एक मुफ्त में मिल जाए। लेकिन अगर आपकी आइटम ही 50-100 है, तो ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये चीज जो है ये इतनी ज्यादा रिलायबल